क्रिकेट मसाला का आज का एपिसोड बहुत ही खास है। जी हाँ, क्योंकि आज होगी बात उस अहम मुकाबले की जिसमें अगर भारत जीत जाता है तो भारत की बेटियां वुमेन्स वर्ल्ड कप में सीधे फाइनल में पहुंच जाएंगी। जी हाँ, और इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, और हमारे साथ हमारी खास मेहमान तोशिका होंगी जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं और इसके अलावा न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, तो क्या होगी कहानी वो पूरी बताएंगी। और भी हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी होंगे। जी हाँ बिल्कुल, मैं अंशिका आपको दिखाऊंगी किस तरीके से अब तक वर्ल्ड कप की इस पूरी सीरीज में भारत ने 4 मैचेस जीते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होने वाला है, दूसरा सेमीफाइनल है, और अगर आज भारत जीत दर्ज करता है तो फिर फाइनल में मुकाबला होगा भारत का, और बेसब्री से इंतजार तमाम लोगों को। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दोनों ही टीम्स के बीच ये तो बात हो गई कुंडली की, लेकिन तोशिका अगर आपसे पूछें टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आज के मैच के बारे में। जी बिल्कुल, अगर मैं आज के मैच की बात करूं तो मैं बोलूंगी कि जो अगर मिताली राज की बात करूं, बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव खिलाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं, चीज़ों को बहुत बैलेंस्ड और प्लानिंग से चीज़ों को चलती हैं। अभी तक का अगर हम उनका परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की है, और उनकी टीम जो है वो स्टेबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा जानी जाती है। नो डाउट उनके स्टार्स, और अगर मैं न्यूमरोलॉजी भी लूँ तो पर्सनल ईयर मिताली राज का 6 चल रहा है, जो अपने आप में ही वीनस का नंबर है। नेम फेम के साथ साथ ये आपको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी दिलाता है, तो आई थिंक इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ अगर मैं ऑस्ट्रेलियन कैप्टन की बात करूं, लेनन की बात करूं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज वो थोड़ी सी डिप्लोमेटिक रहेंगी, थोड़ी सी कंफ्यूज रहेंगी अपनी चीज़ों को लेके, एंड हो सकता है थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में भी रहें। जी तोशिका, आपको आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे 11 में से 9 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, और जो टीम इंडिया है उसने 2 मैच जीते हैं, तो क्या उसका भी असर कहीं ना कहीं टैरो कार्ड पर पड़ता है, या टैरो कार्ड आपके कुछ बता सकते हैं कि पीछे अगर टीम स्ट्रांग है तो अब की बार हमारी टीम भी उनको कड़ी टक्कर दे पाएगी क्या? कड़ी टक्कर ज़रूर देने वाली है हमारी टीम। अगर मैं क्लियरली बताऊँ, यहाँ पर 9 of Pentacles का कार्ड आया है। 9 of Pentacles का कार्ड ये दिखाता है कि जो भी पर्सन है बहुत सुलझा हुआ है, बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि ऑस्ट्रेलियन टीम को इंडिया को कम नहीं समझना चाहिए, इंडिया बहुत अच्छे से आज परफॉर्म करने वाला है। वैसे भी 3, और अगर हम देखें आज कॉम्बिनेशन तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स सन एंड मून। और अगर हम नक्षत्र की बात करें तो अभी पुष्य नक्षत्र चल रहा है जो सूर्य का है, और जब मैच स्टार्ट होगा तब रोहिणी यानी चंद्रमा का नक्षत्र होगा। दोनों ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए अच्छा टाइम। तोशिका, हम लोग टैरो की बात कर रहे हैं, और अभी आपने बोला कि बहुत अच्छा जो है वो लग्न है और बहुत अच्छी तरह से इंडिया परफॉर्म करने वाली है, बट हम यहाँ पे पूनम राउत की बात करना चाहेंगे। पूनम राउत जो है वो हमारी ओपनिंग बैट्समैन है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ओपनर्स का क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, इंडिया को अच्छे स्टार्ट दे पाएंगे? देखिए, अगर मैं यहाँ न्यूमरोलॉजी और टैरो दोनों को कंबाइन करती हूँ, तो पूनम रावत का जो डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1989 है, और उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है और जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो 7 चल रहा है। मैं इतना बोलूँगी कि थोड़ी सी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उनमें, हो सकता है कि स्टार्टिंग जो ओपनिंग बैट्समैन है इंडिया की वो अच्छा परफॉर्म ना करे। अगर बेटरमेंट होगी टीम में तो वो मीडियम यानी मिडिल सेंस में होगी जो भी बैटिंग करेंगे। स्टार्टिंग में आपको यही लगेगा कि इंडिया ढीला चल रहा है। भावना, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी, स्मृति मंधाना की अगर बात करें तो सबकी नज़रें स्मृति मंधाना पे हैं, पर आउट ऑफ फॉर्म वो चल रही है, तो उनके क्या सितारे कह रहे हैं इस बार, क्या वो टीम इंडिया को जीत दिलाने में कामयाब रहेंगी? देखिए, स्मृति मंधाना की जहाँ तक बात है, 18 जुलाई 1996 है इनका डेट ऑफ बर्थ, और जहाँ तक इनका समय की बात करूँ मैं, तो इनके लिए कहीं ना कहीं पे मैं ये कहूँगी कि एफर्ट ये बहुत ज़्यादा डाल रही हैं लेकिन उतने ज़्यादा इनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ये इनका जो टाइम पीरियड है वो ये कह रहा है इनकी कुंडली के हिसाब से। तो आज के दिन में भी मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं पर मिताली राज इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, और ये भी अपना पूरा तरह से अपना एफर्ट डालेंगी, अपना इनपुट 100% देंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में उतना अच्छा ये नहीं दिखा पाए, समय खराब चल रहा है उनका, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे सितारे जो है इनका साथ नहीं दे रहे। लेकिन भावना, आपको क्या लगता है कि आज जो
टीम इंडिया है उसमें की प्लेयर कौन हो सकता है, कौन गेम को उलटफेर कर सकता है, कौन टीम इंडिया को जीत दिला सकता है? मुझे आज के दिन में लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो मिताली राज हैं अपने आप में एक कैप्टनसी बहुत अच्छी निभाती हैं वो जी। तो यहाँ पे अगर इनके मैं कहूँ झूलन गोस्वामी जो हैं आज कहीं ना कहीं पे अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा देने वाली हैं, क्योंकि इनके लिए ये कहेंगे कि एक तरह से सपोर्टिव सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि झूलन जो है आज थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एकता बिष्ट के बारे में क्या बोलेंगे? एकता बिष्ट का टाइम भी कमाल का, वो भी खेल रही है, लेकिन मैं ये समझूंगी कि आज सेकेंड इनिंग्स जो उसमें अचानक से उनका जो प्रदर्शन है वो बहुत कमाल का रहेगा, लेकिन फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा स्टार्टअप देने में उनको थोड़ा वक्त लगेगा। जी हाँ, तो ये खास चर्चा जारी रहेगी और बहुत जल्दी से वापस लौट रहे हैं। आप लगातार देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ नेशन।